सब, उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो दोस्तों, हमारे नए वीक के साथ आप सबके सामने फिर से तैयार हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। दोस्तों, हमारे लाइफ में ना शब्दों का बहुत महत्व है। हम जो भी कुछ बातें करते हैं ना, वो कहीं ना हमें बहुत 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 ना चीज़ों के साथ में कनेक्ट करती है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे शब्दों में कितनी जान होती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये कहानी है रिम्पी की। रिम्पी बस सिर्फ घरेलू सी लड़की थी, सिर्फ अपने घर पे रहती थी, घर के काम करना, ठीक है कहीं अगर ट्यूशन जाना है, कहीं कुछ काम है, बस काम से काम रखना, बस इतना ही। बाकी उसने अपनी जिंदगी को कभी खोल के नहीं देखा, कभी अपने आप को एक्सप्लोर करके नहीं देखा। बस सब चीजों को लेके उसको लगता था बस यही मेरी दुनिया है, यही मेरी जिंदगी, इसी के अंदर मुझे रहना है। तभी एक दिन वो अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी, तो उसके दोस्त ने उसे पूछा, अरे रिम्पी तुम एक काम करोगी? रिम्पी ने कहा, क्या? बोले, अरे कुछ ऑडिशंस के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें एक मॉडल की जरूरत है, तो तू थोड़ी ठीक ठाक ही दिखती है यार, ऐसी कुछ नहीं है, तू क्यों नहीं अप्लाई करती है? रिम्पी ने बेमन से कहा, बोला, नहीं यार, मैं कहाँ ये सब चीजें, मैं इन सब के लिए नहीं बनी हूँ, वैसे भी मैं कुछ अलग ही दुनिया में जीती हूँ, मैं ये सब चीजें कहाँ कर सकती हूँ। तो उसके दोस्त ने उसको उसके इंसिस्ट किया, बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, तू ट्राई तो कर, क्या पता क्या चीजें हो सकती है। रिम्पी के दोस्त ने उसको थोड़ा इंसिस्ट किया, बोला, तू क्यों नहीं कोशिश करती है, अरे क्या पता कहाँ कौन सी लक हमारी क्लिक कर जाए, तू कोशिश तो करके देख। तो पहले तो उसने बेमन से ना किया, उसने कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं करना चाहती। फिर उसको लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, क्या पता कुछ इसमें चेंज हो, क्या पता कुछ और करना हो। तो रिम्पी के दोस्त ने उसको इंसिस्ट किया और बोला, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार कोशिश करके देखो, क्या पता चीजें बदल जाए तुम्हारे लिए। तुमने हमेशा अपने आप को यूं ही अपने अंदर किसी चीज में अपने आप को बंद करके रखा है, तुमने कभी अपने आप को एक्सप्लोर करके देखा ही नहीं, कोशिश तो करके देखो। तो उसने काफी सारी चीजें उसको बोली, तो उसको कहीं ना कहीं मन में लगा कि चलो यार कोई बात नहीं, मुझे एक कोशिश करनी चाहिए। तो उसने ना बोला, ठीक है मैं घर जाती हूँ, मैं सोच के बताती हूँ। और उसने घर पे जाके पहुंचा, और घर पे जाने के बाद में थोड़ा सोचा, चलो ठीक है, उसने हाँ कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, जैसे उसने हाँ किया और उसने अपना वहाँ पे जाके ऑडिशन दे के आई, और एक हफ्ते बाद में उसके पास एक ना मेल आया। उसको मेल में लिखा हुआ था कि आपकी जो सिंप्लिसिटी है, आपका जो ये चुप रहना है, आपका जो ये साइलेंस फेस है, जो ये सब चीजें है ना, हमारी रिक्वायरमेंट यही थी, और हमें ऐसी ही लड़की की हमें तलाश थी, और वो हमें सब कुछ आपके अंदर मिला है, तो आप सिलेक्ट किए गए हो। ये सुनने के बाद रिम्पी को तो यकीन ही नहीं हुआ, उसे लगा, क्या सचमुच? मैं अपने आप को बिल्कुल अलग समझ रही थी, मुझे लग रहा था मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी हूँ, मैं कुछ अलग ही हूँ, मगर मेरे जैसे लोगों की भी जरूरत है। तो ये चीज उसको कहीं ना बहुत हिट कर गई। तो दोस्तों, ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि यार कहां मैं शायद इन सब चीजों फिट नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं चीजें मेरे लिए नहीं बनी है, कहीं ना कहीं चीजें और है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। सब कुछ कहीं ना चीजों की जरूरत है, हर कोई कहीं ना फिट हो सकता है, हर कोई कहीं ना कहीं चीजों के साथ मैच हो सकता है, जस्ट जरूरत है तो क्या अपने आप को ना खोलने की, सबसे बड़ी बात है। और वो उसने करा, तो ये चीज उसके साथ मैजिकल हुई। उसके अलावा दोस्तों, आपको एक कहानी और सुनाती हूँ नाक के ऊपर। यस, तो दोस्तों दूसरी कहानी है मैक्स की। मैक्स की है, मैक्स और उसके दोस्तों ने मिलकर प्लान किया कि अगले हफ्ते उनकी छुट्टियां होने वाली थी, तो उन छुट्टियों में उनको कहीं घूमने के लिए जाना था। मैक्स ने भी कहा कि ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी आई कि मैक्स को ना कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, तो उसने अपने दोस्तों को मना कर दिया। उन्होंने काफी इस चीज पे गुस्सा भी हुए, वो लोग, तुमने इतने दिनों से प्लान बना के रखा हुआ था, तुमने लास्ट मोमेंट मना कर दिया, ये है वो, जो होता है नॉर्मली हम दोस्तों में करते हैं ना, ऐसी चीजें, तो ये चीजें हो गई। लेकिन मैं उस टाइम उसको मैक्स को लगा, नहीं यार ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मुझे ये काम करने ज्यादा जरूरी है, अगर मैं चला गया तो फिर मुझे इनकी टेंशन, उन सब चीजों को सोचते हुए ना उसने ना कर दिया। दोस्तों देखो, नियति देखो क्या हुआ, जैसे ही उसके दोस्त वहां पे पहुंचे और जैसे उसको सुबह जैसे अपना सो के उठा, तो उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो फ्लाइट जिस पे वो लोग जाने वाले थे वो क्रैश हो गया है। यस, जैसे उसको लगा, उसे सारी सब चीजें मैच करके देखा, ये तो वही सेम फ्लाइट है, सब चीजें वही है, उसका तो दिमाग घूम गया। उसने सारे के जगह फोन किया, ये क्या वो क्या, सब जगह पूछा, और उसके दोस्तों को फोन किया, किसी का फोन नहीं लग रहा है, सबका अनरिचेबल आ रहा है। उसको मन में चिंता हो गई, वो सोचा हुआ तो हुआ, कहाँ गए सारे के सारे दोस्त, क्या हुआ उनके साथ में, बड़ी चिंता हो गई। तो देखा कि दोस्तों उनमें से उनका एक दोस्त था जिसका नाम था प्रशांत, उसने प्रशांत को फोन किया। तो प्रशांत को फोन किया, प्रशांत ने फोन पिक कर लिया। प्रशांत ने जैसे फोन पिक किया, उसने पूछा, अरे तुम लोग कहाँ हो, बाकी के लोग कहाँ है, कैसे, ये वो, ढेर सारे, क्योंकि मैक्स को बहुत चिंता थी, उसे सारी सब चीजें पूछी। तो प्रशांत ने उसको बोला, शांत शांत मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। बोला क्या? तो उसने बताया कि हम लोग निकले थे जाने के लिए, लेकिन सडनली क्या हुआ, उनकी गाड़ी खराब हो गई और ड्राइवर ने जाने से मना कर दिया। उन लोगों ने काफी लड़ाई भी करी ड्राइवर से कि क्यों लेके जा रहे, क्यों लेके जा रहे, क्योंकि ड्राइवर ने ना कर दिया।
ड्राइवर ने बोला नहीं मैं नहीं लेके जा सकता, और उनको काफ़ी लेट हो गई थी, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए और उनकी ना वो फ्लाइट मिस हो गई और वो रह गए। तो दोस्तों ये जो ना निकली ना उस ड्राइवर के थ्रू, तो ये चीज़ क्या थी, वो एक उनके लिए सेव करने के लिए निकली थी दोस्तों, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बचानी थी। तो कहीं ना दोस्तों ये जो शब्द हम कहते हैं ना, हर किसी का फ़र्क पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि ये हाँ ना में क्या रखा है, मगर ये हाँ ना बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक छोटी सी हाँ ने ना रिम्पी की ज़िंदगी बदल दी, रिम्पी को रातों रात वो तरक्की, वो उन्नति, वो सब चीज़ें दे दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, जिसने कभी उसने सोचा तक नहीं था अपने बारे में। उस हाँ ने उसकी इतनी ज़िंदगी बदल दी। और वो जो ना जो उस ड्राइवर ने करे, उस वक्त उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उस वक्त उन्हें बहुत बहुत दुखी हुए कि क्यों नहीं जा रहे, मगर अगर वो अगर ना नहीं होती तो शायद वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते, क्योंकि वो हादसा उनका इंतजार कर रहा था वहाँ पे। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं हमारी ज़िंदगी में ना ये हाँ और ना शब्द बहुत बहुत पावरफुल होते हैं दोस्तों। हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें करते हैं ना वो भी बहुत गहराई से हमें जोड़ते हैं, तो हमें अपने शब्दों पे बहुत ध्यान देना चाहिए और अपने अंदर की ना जो हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है ना उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो कहीं ना हमें वो सिग्नल देती है, हमें वो चीज़ बताती है, समझाती है। तो मैं इससे हमेशा कहती हूँ दोस्तों, अपने दिल की आवाज़ को ना कभी भी ना नज़रअंदाज मत करना, हमेशा उसको सुनना। उस आवाज़ के साथ ना आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत सी सोचने को मिलेगी दोस्तों। तो यही था आज आपके लिए कि शब्द हमारे कितने पावरफुल होते हैं, उनको कितना ध्यान से हमें सुनना चाहिए, कितना उनको हमें फील करना चाहिए दोस्तों। तो यही था आज आप सबके लिए, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। बहुत जल्द मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक क्या करना है, तब तक आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, एंड वॉट यस बेबिंदास, चलो बाय।